गैस बहरान सिंध का वफाकी हुकूमत से एहतजाज। तवानाई डिपार्टमेंट ने वफाकी वजीर हम्माद असर को खत लिख दिया। कराची के शहरी मुलाजमतों और बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। वफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदन हमारे हवाले कर दें, लेटर का मतन। मुल्क में गैस का बहरान, इंडस्ट्रीज को भी गैस नहीं मिल रही। एलएनजी बर वक्त ना मंगवाने की सजा आवाम को दी जा रही है। चीनी पेट्रोल बहरान इस हुकूमत ने पैदा किए। सईद गनी का परवेज खट्टा को हिम्मत दिखाने पर खिराज तहसीन। सिंध बलदियाती कानून वापस लो, सूबे में सियासी हलचल। सिंध में मुतहदा अपोजिशन आज पावर शो करेगी। काले बलदियाती कानून पर कभी असम्बली में बहस नहीं हुई। वजीर आला सिंध ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए, वफाकी वजीर अली फैजी। पीटीआई और एमक्यूएम महंगाई के खिलाफ धरना देती तो खुशी होती। ये एहतजाज उस वक्त करते हैं जब पीपल्स पार्टी आवाम के लिए काम करती है। ये गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करें तो हम भी इनके साथ खड़े होंगे। मुर्तजा वहा। कोरोना टास्क फोर्स का सिंध में स्कूल खुले रखने का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। मार्केटों में वैक्सीनेटेड अफराद के दाखिले की इजाजत। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। मुराद अली शाह की जेरे सदारत अजलास में फैसले। मुल्क में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह 35.3% रिकॉर्ड। शहर कायद में अब तक ओमिक्रोन के 430 केसेस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रोन के मजीद 11 अफराद में तशखीस। कराची के शहरी अपनी सेहत के खुद दुश्मन। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया। मास्क का इस्तेमाल ना समाजी फासले का ख्याल। शहरियों की मास्क ना लगाने पर फुल बहानेबाजी। मुल्क भर में कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 8.16% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान मजीद 4,286 नए मरीज। 28,112 एक्टिव केसेस। मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। न्यूयॉर्क अपार्टमेंट पर नैब इंक्वायरी। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर जरदारी को तिबी बुनियादों पर जमानत दी। नैब ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दे सकता है। अदालत का जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग को निजी बैंकों की नाकामी करार दे दिया। बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल ना रोकना बैंकों की वाज़ह नाकामी है, एफआईए रिपोर्ट का मतन। कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत ने नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए। 40 अरब के कर्जे मंजूर किए जा चुके हैं। वजीर ममलिकत फारूक हबीब, रकम की तकसीम से नौजवानों के लिए रोजगार में इजाफा होगा। उस्मान डार। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में गोदाम से खुदाई के दौरान असलहा बरामद। एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत जंग में इस्तेमाल होने वाला पुराना जंग आलूद असलहा निकाला गया। हथियारों से जहाज, हेलीकॉप्टर, टैंक या इमारतों को निशाना बनाया जा सकता था। और केप टाउन टेस्ट, जनूबी अफ्रीका ने भारत को 7 विकेटों से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज दी मेजबान टीम के नाम। इंडियन 11 के जानिब से 212 रन का हदफ। प्रोटीज ने 3 विकेटों पर ही पूरा कर लिया।